भाई कैमरा मैनो हाँ पूछ रहा हूँ ना उसे यार जितनी बात करनी है अभी कर लो उसके बाद ही करना। भाई ठीक है कहाँ बताया गर्मी में तो ना फेल थींदो थोड़ा मामलो हाँ तो हमारा एक पड़ोसी तैयार नहीं ना भैया अभी आ जाओ आ जाओ बड़ी मेहरबानी एक गुजारिश हमेशा करता हूँ फिर कर रहा हूँ गर्मी बहुत है लेकिन जरा खामोश रहना अरे यार अपने आप को तुम लोगों ने खराब कर दिया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये गुजारिश करना चाहूँगा क्योंकि पता है कि बजट आ रहा है और जो अभी गुज़िश्ता साल मुकम्मल हो रहा है फाइनेंशियल ईयर उसमें बदकिस्मती से महंगाई बहुत बड़ी है। जो पाकिस्तानी अवाम है जो लोग हैं गरीब हैं मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर महंगाई की वजह से बहुत बोझ पड़ा है बहुत मुश्किल में रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि बजट के आने से पहले तो थोड़ी सी चीज़ें ज़ाहिर है कि हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है उसका महंगाई से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने की हैं जिससे यकीनी तौर पर जो हम बेनिफिट्स देते हैं वर्कर्स को उसको हमने कवर करने की कोशिश की है कि महंगाई के हालात में कुछ हम उनकी मदद कर सकें। उसमें जो हमारे यहाँ डेथ ग्रांट दी जाती थी 5 लाख रुपये थी वो उसको हमने कुछ अर्सा पहले बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था। खुदा ना खास्ता अगर किसी वर्कर की डेथ होती है जो रजिस्टर्ड होता है हमारे पास सेसी में या यूबीआई में तो उसकी फैमिली को पहले 5 लाख रुपए हम देते थे और 5 लाख रुपए वो इदारा भी देता है जिसमें वो मुलाजमत कर रहा होता है लेकिन हमने लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से 5 लाख को बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। एक और जो बेनिफिट हम देते हैं वो बच्ची की शादी पर मेरिज ग्रांट की मद में वर्कर्स को दिया जाता है वो 1 लाख रुपये था एक बच्ची के लिए 1 लाख रुपये उसको हमने 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया। फिर हम जो इन मज़दूरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको यूनिफॉर्म और दस्ते की मद में या जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती हैं 6,000 रुपये पर बच्चा हम देते थे अभी हमने उसको 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स हम देते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हमारी हैं जो पहली कैटेगरी है उसमें पहले 19,200 रुपये हम दिया करते थे उसको अब हमने 25,000 रुपये कर दिया। जो कैटेगरी 2 है वो पहले 30,000 रुपये थी उसको हमने 40,000 रुपये कर दिया। कैटेगरी 3 42,000 रुपये थी उसको हमने 50,000 कर दिया। और जो हायर सेकेंडरी की जो पैसे हम देते हैं वो जितने अखराजात आते हैं बच्चे के ऊपर वो सारे के सारे 100% जो है वो हम उठाते हैं तो इसके इसमें इजाफा या कमी की कोई बात नहीं थी। तो जितना खर्चा आता है वो हम सारे का सारा बेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो मिनिमम वेज है वो आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता साल हमने बल्कि उससे पहले हमने 25,000 रुपये कर दी थी पूरे पाकिस्तान में सिंध वो पहला सूबा था जिसने 25,000 की थी लेकिन कुछ लिटिगेशन हुई और कुछ मामला हुए कुछ ताखीर हुई लेकिन अब तक जो हमने रखी हुई 25,000 है लेकिन उसमें नई मिनिमम वेज के लिए हमारा जो मिनिमम वेज बोर्ड है वो उस पर काम कर रहा है और आपके इल्म में है कि पंजाब ने वो 32,000 पहले से की हुई है और हमारा जो अभी तक का है क्योंकि वो बोर्ड है मैं कोई बता नहीं सकता कि कितनी होगी लेकिन ये है कि 32,000 से वो ज़्यादा होगी उससे वो कम नहीं होगी तो उस पर हम काम कर रहे हैं वो हम जल्द से जल्द अनाउंस कर देंगे। इसके अलावा एक बहुत हमारा जो एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो थोड़ा सा स्लो हुआ लेकिन अब उसमें हमने उसको स्पीड अप किया है वो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का जो प्रोजेक्ट है उसको किया हमने आगे। उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मुश्किलात हमें आ रही हैं दरपेश डिपार्टमेंट की तरफ से थी वो अपनी जगह जो एम्प्लॉयर की जानिब से थी वो अपनी जगह लेकिन बुनियादी जो मसला है वो ईओबीआई और वर्कर वेलफेयर फंड की डेवल्यूशन है। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम महकमे डिवॉल्व होने चाहिए थे लेकिन
अभी तक वो डिवॉल्व उस तरह से हुए नहीं है जिस तरह की हम जो आईन कहता है। उसमें हमने मुख्तलिफ मवाक़ों पर इस इशू को रेस किया, CCI में रेस किया, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर रेस किया, लेकिन वहाँ हमेशा ये जवाब आ जाता है कि जी KPK जो इसकी मुखालफत करता है कि वो कहता है कि डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या कुछ चीज़ों पे बलूचिस्तान ये कहता है कि वो डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या EOBI कहता है, इवन पंजाब कहता है कि डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई और सूबा तैयार नहीं है तो उसकी सज़ा सूबा सिंध को नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट हमने समरी मूव की है, जो CCI के लिए हमने भेजी है, उसमें हमने ये दरख्वास्त की है कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड को सूबा सिंध की हद तक डिवॉल्व कर दिया जाए। मतलब ये कि जो सूबा तैयार है उसके तक डिवॉल्व कर दें, बाकी कोई सूबा अगर विफाक के साथ रहना चाहता है, वो डिवोल्यूशन नहीं चाहता है, तो ये उसकी ख्वाहिश है, उसकी मर्जी है, उसको अब ना कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब नया केस हमने सामने लेकर गए, उस पर मुझे 100% उम्मीद है कि अब कोई जवाब वफाकी हुकूमत के पास या CCI के फोरम पर ये नहीं होगा कि वो इनको डिवॉल्व ना करें। और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये दोनों महकमे डिवॉल्व हो जाएं, ताकि जो हम काम कर रहे हैं बेनजीर मजदूर कार्ड का, उसको हम ज़रा और तेज़ी से, और ये जो एक मर्जर हमने करना है जो हमारे इस प्लान का हिस्सा है कि सोशल सिक्योरिटी, EOBI, वर्कर वेलफेयर फंड और उसके साथ माइंस वर्कर वेलफेयर जो हमारा है उसको हम मिला लें सबको, ताकि एक ही इदारा बनाकर तमाम मजदूरों को यकसा हम सहूलियात देने का आगाज़ कर दें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी ज़ाहिर है कि लेजिस्लेशन हमने बहुत किए, बहुत सारे वो छोटे मोटे काम हैं, लेकिन ये मेजर काम थे जो मैं चाहता था कि आपके सामने लेकर आऊँ। अच्छा सईद भाई ये बता दें कि अब तो आपकी हुकूमत है, तो इन चीज़ों में देर क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी भी तो थोड़ा सा अर्सा रह गया है, फिर ये अगले दौर में चली जाएंगी चीज़ें, EOBI और वर्कर वेलफेयर का फंड का जो वाकई जो इन दोनों इदारों का मसला है, वो सीरियस मसला है, तो इसको एक मुख्तसर मुद्दत में क्यों नहीं हल कर पाते? देखें, अभी कुछ एक साल हुआ है कि एक ऐसी हुकूमत आई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है वफाकी हुकूमत में, लेकिन इससे पहले PMLN की गवर्नमेंट रही, उसके बाद PTI की हुकूमत रही। हम कोशिश करते रहे, लेकिन मैं ये असम्बली के रिकॉर्ड पर ये बातें मौजूद हैं कि CCI के फोरम पर जो मिनट्स पेश किए गए, एक कमेटी बनाई गई थी उसके, वो उन्होंने गलत मिनट्स रिकॉर्ड किए और गलत बयानी करके वो CCI के सामने लेकर गए, और वहाँ से उन्होंने CCI का एक फ़ैसला लिया। उस फैसले को भी हमने चैलेंज किया कि ये फ़ैसला CCI का गलत है और उनको गलत हकायक बताकर जो है ये फैसला लिया गया है। मैंने जो बात अभी आपके सामने रखी कि जब ये नई हुकूमत आई, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा आए थे सूबह सिंध में, उन्होंने सिंध कैबिनेट के एक इजलास की सदारत की थी। उस वक्त ये बात मैंने उनके सामने रखी कि जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और उसमें ये इस्तदा की थी कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड को जो है वो सूबों को दिया जाए। तो मैंने कहा जी, एक आपकी इस्तदा थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब उम्मीद है कि आप अपनी उस इस्तदा पर अमल करेंगे और ये चीज़ें होंगी। तो मैंने जो आपको आखिरी चीज़ अभी बताई थी कि सिंध हुकूमत ने जो नई समरी भेजी है उसमें हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि जी इसको डिवॉल्व करो सूबों को, हम तो ये कह रहे हैं कि जी सूबा सिंध तैयार है और आइन के मुताबिक ये सूबों को जाना चाहिए। पंजाब की हम बात नहीं करते, KPK की हम बात नहीं करते, बलूचिस्तान की हम बात नहीं करते। वो अगर विफाक के साथ रहना चाहते हैं वो रहें, अपना काम चलाएं, लेकिन सूबा सिंध की हद तक जो है इन दोनों इदारों को डिवॉल्व कर दिया जाए, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। सईद साहब, जमायत इस्लामी पहले दिन से पीपल्स पार्टी के जो है वो आड़े हैं कि उनका मेयर नहीं आना चाहिए, आज फिर वो कोर्ट में गए हैं कि ये जो तरामीम हुई है इसमें कानून में वो उसके खिलाफ हो गए हैं, यानी मेयर नहीं आना चाहिए पीपल्स पार्टी का, क्यों? मैं बड़ी मेहरबानी, मैं ये बात अभी करने जा रहा था कि देखें, ये जो तरमीम थी कि जिसमें कि कोई ऐसा शख्स जो काउंसिल का मेंबर ना हो वो भी मेयर या टाउन चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है, ये तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी थी। अच्छा। जब हम लोकल गवर्नमेंट कानून में तरामीम के लिए जा रहे थे तो हमारे जो मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने तमाम जमातों को ख़त लिखा और उनसे तजावीज़ तलब की। तकरीबन तमाम जमातों ने ये तजवीज़ दी कि ये होना चाहिए, जिस तरह 2001 और 2005 में था। मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्ला खान, नसरीन जलील साहिबा, तारिक हसन साहब, ये मेंबर्स नहीं थे काउंसिल के और वो इलेक्ट होकर फिर बन गए। अच्छा, उस वक्त वो 6 महीने वाली शर्त भी नहीं थी,
एक मरतबा इलेक्ट हो जाए तो वो कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने उसको मज़ीद थोड़ा बेहतर किया कि हमने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी कि मेंबर बने, लेकिन हमने शर्त लगा दी कि 6 महीने के अंदर अंदर उस उम्मीदवार को अगर वो कामयाब हो जाता है तो उस काउंसिल का मेंबर बनना है। तो अब जो बात जमात इस्लामी पहले से कह रही थी, जो बात MQM पहले से कह रही थी, जो बात और जमातें पहले से कह रही थी, वो अब आकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। जो दूसरी बात उन्होंने कही उसमें जमात इस्लामी नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो असम्बली में मौजूद हैं, जब ये तरमीम आई तो किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की और ये तरमीम अक्सरियत राय से नहीं, इत्तफाक राय से जो है वो मंजूर हुई। अब एक ऐसा कानून जो इत्तफाक राय से असम्बली ने मंजूर किया हो, जिसमें जमात इस्लामी का वोट भी हो, जिसमें PTI का वोट भी हो, जिसमें GDA का वोट भी हो, जिसमें MQM का वोट भी हो, जिसमें TLP का वोट भी हो, अब अगर जाकर उसको कहते हैं अदालत के सामने रखें तो अब इससे एक चीज़ साबित होती है। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई अगर बकौल हाफिज़ नईम साहब के कि उनके पास 130 मेंबर अपने हैं और 63 मेंबर PTI के हैं तो आपकी तादाद 193 बन जाती है, तो आपको तो बेचैनी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि जी आज कराओ इलेक्शन ताकि वो मेयर बन जाएं। लेकिन अगर वो अब अदालत में जाकर इस पूरे अमल को ताखीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इससे कम से कम हमारी एक बात तो साबित हो रही है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी कही थी, PTI को एक तरफ रखें, मैं तो कह रहा हूँ जमात इस्लामी के 130 मेंबर ये मुझे इकट्ठे करके दिखा देंगे, वो 130 भी इनके साथ नहीं है। उसकी वजह बताऊँ आपको, देखें हाफिज़ नईम रहमान साहब ने मेयर बनने की जस्तजू में या बेचैनी में वो बातें कही हैं जो नफ़रत अंगेज़ हैं, जो तकसीम करती हैं, जो मुनाफरत फैलाती हैं, जो लोगों को दूर करती हैं, वो बातें जब कहीं तो जमात इस्लामी के वो लोग जो इस किस्म की सियासत से सियासत को पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने MQM की इस किस्म की सियासत की मुखालफत की है, जिन्होंने हर उस सियासत की मुखालफत की है जो लोगों को तकसीम करती है, वो जो सेक्शन है जमात इस्लामी का वो हाफिज़ नईम रहमान के इस रवैये पर नाला है। और वो मेंबर्स जो इस रवैये को पसंद नहीं करते, इन बातों को पसंद नहीं करते, वो ये समझते हैं कि हाफिज़ नईम रहमान साहब जैसे आदमी को कराची का मेयर नहीं बनना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी के जो 130 मेंबर हैं उनमें से भी बहुत सारे अरकान उनके साथ नहीं हैं। और ये चीज़ आपने भी रिपोर्ट की, मुझे भी पता था कि आज से 3 दिन पहले जमात इस्लामी ने एक इजलास बुलाया जिसमें इन्होंने जमात इस्लामी और PTI के तमाम अरकान को मदु किया कि जनाब आएँ और हम बैठ, असल में बेसिकली वो बुलाकर लोगों को मीडिया को ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास अक्सरियत है। अल्लाह का करना ये हुआ कि जो मेरी इतलात हैं, पहले वो इजलास 5 बजे रखा गया, लोग पूरे नहीं थे, फिर 6 बजे रखा गया, लोग पूरे नहीं थे, फिर 8 बजे रखा गया, लोग पूरे नहीं थे, फिर उसको मंसूख कर दिया गया। इसलिए कि उस इजलास में PTI के तो शायद कुछ 6-7-8 लोग पहुँचे थे और जमात इस्लामी के भी 130 लोग जो नहीं आ सके। तो अगर अक्सरियत उनके पास नहीं हो पा रही है तो उनको हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो अदालतों में जाकर इस पूरे अमल में रुकावटें पैदा करें ताकि कराची में कोई मुंतखब मेयर ना सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने बताया, एक तो लेजिस्लेशन जो है वो असम्बली का कुल्ली इख्तियार है, अदालत का इख्तियार नहीं है, और आईन में ये लिखा है कि असम्बली में कानून साजी जो होती है उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस के अगर वो कोई फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो। तो ये जो तरमीम है इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, इसमें लोगों को मौका दिया गया है कि वहाँ इलेक्शन लड़ें और उसके बाद वो काउंसिल के मेंबर बन जाएं। और ये असम्बली में जो तरमीम हुई थी ये इत्तफाक राय से हुई थी, तो मुझे उम्मीद है कि अदालत में भी इनको शायद रिलीफ नहीं मिलेगा। सही साहब ये बताएं कि क्या सिंध असेंबली में ऐसा कोई कानून आ सकता है कि जो अक्सरियत में ना हो उसका बंदा मेयर बन जाए, ये कोई कानून साधी आप ऐसी कर सकते हैं? ये तो हाफिज नईम रहमान बकुल आपके फिर बात तो गुजर गई, आप चेयरमैन बिलावल साहब से गुजारिश करें कि उनको नामजद कर दें ताकि आपके मामला। नहीं, मैंने तो इसका आसान हल बताया था, ये तो बहुत मुश्किल है आप जो बता रहे हैं कि तरमीम करो फिर इलेक्शन में जाए फिर अक्सरियत ना हो फिर मेयर बने। या सबसे आसान काम है
अपने नाम के साथ लगा लें मेयर हाफिज नईमुर रहमान, सारी जिंदगी जो है वो मेयर ही रहेगा, इलेक्शन इलेक्शन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 184 का हिस्सा कैसे पूरा करेंगे बगैर पीटीआई? तो पहले ये बात कर लो, ये चूंकि इलेक्शन के हवाले से फिर इधर आया जी, पीटीआई के बगैर 184 का हिंसा कैसे पूरा करेंगे आपके पास? देखें एक एक मेरी मेरी गुजारिश ये है कि जो मैंने लोकल गवर्नमेंट का एक्ट पढ़ा है उसमें 184 का हिंसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेरी राय में जब ये इंतखाब होगा जिसकी अक्सरियत होगी वो मेयर मुंतखब हो जाएगा हाउस के अंदर, हाउस के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी वो मेयर मुंतखब हो जाएगा। अब अगर हाफिज़ नईमुर रहमान के बकौल उनके पास 193 लोग हैं, बिस्मिल्लाह करें 15 तारीख को आएं और 193 वोट लें, और मैंने उस दिन भी कहा सबसे पहले उनको मुबारकबाद मैं दूंगा, उनके घर पे मिठाई लेकर जाऊंगा, हार लेकर जाऊंगा, उनको पहनाऊंगा, और मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको मेयर तस्लीम करेगी और जो कानूनी तौर पर उनका रोल है उसको अदा करने में उनकी मदद करेंगी। लेकिन दूसरी जानब उन्हें भी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए, अगर उनको 193 वोट या 184 वोट नहीं मिलते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब साहब के मुकाबले में कम वोट मिलते हैं तो उन्हें भी इस फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए ताकि इस शहर के जो मसाइल हैं वो हम अच्छे माहौल में आगे बढ़कर उसको हल करने की तरफ बढ़ सकें। देखें ये बात मैं 12 कह चुका हूँ कि 25,000 या 32,000 या 35,000 जो भी मिनिमम वेज हुकूमत मुतय्यन करती है अगर कहीं उसकी अमलदाराई नहीं हो रही तो हमारे पास उसकी शिकायत आए तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हमने अखबारात में इश्तहार दिए, हमने टीवी चैनल्स पर इश्तहार चलाए और हमने लोगों से ये गुजारिश की कि अगर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी हमें आप बताइए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। इस पर मुख्तलिफ इदारों में यूनियंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ शिकायतें आती भी हैं जहाँ से पता चल जाए। अगर वैसे शिकायत ना आए, अगर हम सोशल मीडिया पर देख लें, मीडिया पर देख लें, कहीं से कंप्लेंट आ जाए कि यहाँ पर 25,000 या मिनिमम वेज नहीं दी जा रही तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर कोई ये तवक्को करे कि हम खुद ब खुद कोई ऐसा सिस्टम बना देंगे, जादू फड़ा देंगे कि हमें पता चल जाएगा कि 25,000 नहीं मिल रहे और हम नाफिज कर देंगे, तो ये मेरा ख्याल है मुश्किल है। ये जिन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं वो इसमें हमारी मदद करें, या दूसरी एक कोशिश है जो शायद थोड़ी सी मुश्किल है कि लोग मिनिमम वेज अगर उनको नहीं मिलती तो वहाँ काम करने से इनकार कर दें, इसलिए कि कोई इदारा मज़दूरों के बगैर चल नहीं सकता। अगर वो मिनिमम वेज के बगैर नौकरी नहीं करेंगे तो वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोगों को मजबूर हो गए कि मिनिमम वेज उनको दें। सर आप जमात के इख्तलाफ की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि अब पीपल्स पार्टी जो ना भाई पार्टी हो गई, सईद का भाई, आसिफ का भाई, लियाकत का भाई, अलीजान का भाई, फलाने का बेटा, फलाने का भाई, ऐसा ये कंपेन क्यों चल रही है? वर्करों को ये तासर क्यों है कि भाइयों को टिकट दिए गए, जियालों को टिकट नहीं दिए गए, ऐसा क्यों है तासर? देखें अगर तो कोई ऐसा शख्स इनमें है जो पॉलिटिकली खुद एक्टिव नहीं है, मुंह से बाहर बैठा है, घर से बाहर बैठा है, कहीं सो रहा है, पॉलिटिक्स में नहीं है और उसको सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया गया है कि वो किसी का भाई है तो ये एतराज़ बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बननी चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के किसी अहदेदार के भाई हैं। अगर मेरे भाई को दिया गया तो मेरा भाई अभी नहीं, कई बरस पहले ज़िले का यूथ का सदर था, मेरा भाई आज भी सिटी एरिया का जो है जनरल सेक्रेटरी है, मेरा भाई 2015 में भी इलेक्शन जीता है यूसी का 8,000 वोट लेके। तो अगर एक आदमी खुद पार्टी में रोल अपना अदा करता है उसकी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन ये नहीं होनी चाहिए कि वो सईद गनी का भाई है। इसी तरह और जो लोग हैं वो अपना अपना काम करते रहे हैं, हैदराबाद में काशिफ शोरो पहले भी वहाँ का चेयरमैन रहा है किसी काउंसिल का, इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये अब मुखालिफिन भले जो मर्जी एतराज़ करें लेकिन पार्टी ने जो फैसले किए हैं उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत एक तवील मुशावरत हुई है और उस मुशावरत के बाद फैसले हुए हैं। मीडिया पे जो चलता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ
कि तमाम फैसलों पर तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्होंने भी इनको कबूल किया है, और जिन लोगों को मिला है वो चल कर लोगों के पास गए जो कैंडिडेट थे, तो बड़े अच्छे माहौल में ही सारे फैसले हुए। इस सारे इलेक्शन के अंदर खवातीन की बड़ी कमी महसूस की जा रही है, चाहे हैदराबाद हो या कराची हो, उसकी वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की सीटों पे खवातीन ना होने के बराबर है, उस पर क्या कहें? देखें, कराची में शायद पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है, वाहिद, जिसकी टिकट पर दो खवातीन बराए रास्त यूसी की चेयरमैन मुंतखब हुई है, बराए रास्त, और किसी जमात की नहीं है, पीपल्स पार्टी की है। उसके अलावा सूबा सिंध में कई जगहों पर खवातीन को मुख्तलिफ काउंसिल्स में वाइस चेयरमैन का अहदा दिया गया है। खवातीन की रिज़र्व सीट्स हैं, उसको तो ज़ाहिर है उन्होंने आना है, लेकिन ये एजाज़ भी हमें हासिल हुआ कि हमने काउंसिल्स में पहली मरतबा माजूरों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी नशिस्तें मखसूस की हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो खैर अपना जो किरदार है अदा किया है। ये सवाल बाकी जमातों से ज़रूर बनता है जिन्होंने बराह रास्त इलेक्शन में किसी खातून को जो है वो टिकट दी थी। मैं इस पर आस करूँ आपसे, वर्कर वेलफेयर बोर्ड में मुझे गालिबन दिसंबर 2022 में शिकायत मिली कि ये जो डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। हमने खुद डिपार्टमेंट ने इस पर तहकीकात करवाई, और ये बात मैंने पहले पब्लिक कभी नहीं की, अब तो खैर वो एंटी क्रशिंग में चली गई, लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से हमने उसकी इंक्वायरी करवाई। और मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट के लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी, 3,500 पेजेस पर उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स थे उनका तायुन किया कि कौन कौन इन्वॉल्व है, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो यूनियन लीडर्स हैं उनका तायुन किया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो एजेंट्स हैं उनके नाम निकाले कि ये एजेंट्स हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और हमने वो पूरी तहकीकती रिपोर्ट जो इतने बड़े उसके पेपर्स थे, 3,500 पेज अच्छे खासे होते हैं, वो हमने एंटी करप्शन को भेजी और एंटी करप्शन उसके ऊपर तहकीकात कर रहा है। तो हमने, मैं समझता हूँ कि अब ये तो बहुत मुश्किल होता है कि एक एक चीज़ के ऊपर हम खुद वजीर नज़र रखें, लेकिन अगर चीज़ सामने आई तो उसको 4 महीने तक उसकी तहकीकात हुई, 4 महीने वो एक एक इलाके में गए, एक एक फॉर्म उन्होंने चेक किया, कई लोगों को बुलाया, इंटरव्यूज़ किए, बयान रिकॉर्ड किए, और उसके बाद एक बड़ी कंप्रीहेंसिव एक रिपोर्ट हमने जो है एंटी करप्शन को भेज दी है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एंटी करप्शन को ये नहीं कह दिया गया कि ये पता चला है तहकीकात करो, तहकीकात के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए उनको कि ये चीज़ें हमने साबित कर दी हैं, अब चूंकि कानून इख्तियार उनका है लिहाजा उस पर काम करें और जो जिम्मेदार लोग हैं, और हमने जो जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड कर दिया, और उन लोगों के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है उसका भी आगाज कर दिया, ताकि अगर उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती है नौकरी से निकालना पड़े उनको नौकरी से भी निकाले। एक मिनट, वो गुजर गया। पहले तो ये बताएं कि क्या सीनियर असेंबली में अपोजिशन लीडर चेंज हो रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने बदयाती इंतखाबात के बारे में सवालों के जवाब दिए, ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 जून को एक लेटर लिखा है कि जो भी विवरान है उनकी जो है हाजिरी यकीनी बनाई जाए, ऐसी इत्तला आ रही है कि कुछ लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है करने के लिए। देखें, पहली जो बात आपने की वो सवाल तो अपोजिशन से पूछे, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, ये अपोजिशन के मेंबर्स पर मुनासिर है कि वो अपोजिशन लीडर चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो दूसरी बात आपने की, मुझे उस खत का नहीं पता, लेकिन ये बात पहले भी मैं मीडिया पर कह चुका हूँ कि वोटिंग हो, हलफ बर्दारी हो, जो लोग पुलिस की तहवील में हैं, जेलों में हैं, उनको यकीनी बनाना कि उनका ओथ हो जाए, उनका वोट हो जाए, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वो वोट किसको देते हैं नहीं देते हैं ये उनका मसला है, लेकिन उस दिन उनकी हाजिरी यकीनी इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। अच्छा सर, इसी बजट बोर्ड के लेबर डिपार्टमेंट के जो स्कूल हैं उसके अंदर ये भी सामने आया है कि बहुत सारे जो भर्ती आए हैं वो 40 डिग्री की ऊपर भर्ती हुई है, उसके ऊपर डिग्री के वजह से आप क्या कर रहे हैं? यार मुझे एग्जैक्टली जो आप बात करें स्कूलों की वो तो नहीं पता, लेकिन एक मेरी चीज़ ज़रूर इल्म है कि मुझसे पहले ही
जब मरहूम मुर्तजा बलोच साहब थे मिनिस्टर, तो उस वक्त आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी एक तेज़ी चलाई थी कि जी मुख्तलिफ इदारों में जो लोग हैं नाकाम कर रहे हैं उनकी डिग्रियाँ चेक की जाए। तो उस वक्त कुछ डिग्रियाँ चेक करने का अमल शुरू हुआ, कुछ लोग अदालतों में गए, अदालत ने मौजूद अदालत ने अपने नाजिर के थ्रू उन डिग्रीज की वेरिफिकेशन करवाई। वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि वो डिग्रियाँ जाली हैं, अदालत के सामने आया और मौजूद अदालत ने ये कहा कि जिनकी डिग्रियाँ जाली हैं कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उनको नौकरियों से निकाल दिया और जब वो नौकरियों से निकल गए उसी मौजूद अदालत ने कहा कि इन सबको तनख्वाहें दें। थैंक यू। ये मर्दम शुमारी पर हम कह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है, अगर आपके भी तहफ़ुज़ात हैं बरतानिया मर्दम शुमारी पर कहा कि अगर हमें सही नहीं गिना गया तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाकर बिठाया जाए, हमें चैलेंज किया फारूक सत्तार। देखिए वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के लोगों ने बनाना है, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मरदमशुमारी की जहाँ तक बात है मैं ये समझता हूँ कि जितनी भरपूर आवाज़ मरदमशुमारी में जो जो हमारे एतराज़ात हैं उस पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने उठाई है, इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उठाई है, इतनी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। अब यहाँ हर आदमी चैम्पियन बन जाता है और ये बहुत आसान है कि पीपल्स पार्टी बैशिंग करो और ताकि कराची में अपने नंबर बढ़ाओ, तो मुख्तलिफ जमातें वो बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट को बात करें जिन्होंने मरदमशुमारी कराई है, मरदमशुमारी पर जो एतराज़ आते हैं उसका इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पे लगाते हैं। भाई सिंध हुकूमत तो पहले एतराज़ उठा रही है, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, हम भी वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, आप ही वहाँ उठाइए, लेकिन मरदमशुमारी के अमल में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। हाँ हमने जहाँ जहाँ महसूस किया कि ये दुरुस्त नहीं हो रही हमने उस पर आवाज़ उठाई और आज भी हमारा एतराज़ मौजूद है। थैंक यू।